वहीं धौलपुर पुलिस ने मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेला के आरोप में 1200 लोगों से अधिक लोगों के चालान काटे हैं। इस दौरान पुलिस ने 2 लाख से अधिक जुर्माना भी वसूल किया है। तो वहीं पुलिस ने लॉकडाउन अवधि में 1800 से अधिक वाहनों को भी जब्त किया। एसपी मृदुल कछावा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेला में विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत लापरवाही बरतने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना महामारी के इस संकटपूर्ण समय में राजस्थान सरकार पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश जो कि कोरोना महामारी अध्यादेश सरकार द्वारा पारित किया गया है, उसमें जो दंडात्मक कार्रवाई के जो प्रावधान हैं उनको उनकी पालना करते हुए धौलपुर पुलिस ने पिछले एक हफ्ते में लगभग 1100 से ज़्यादा चालान की कार्रवाइयाँ की हैं और इस चालान की कार्रवाई में कुल अनुमानित चालान की राशि जो है वो लगभग 2 लाख रुपये वसूल की।